नमस्कार आम रोसे फ्रेश एपिसोड को आपण मानक स्वागत करी दर्शक बंधु आज आम चिकेन दुटा रेसीपी प्रस्तुत करवा गोटे साउथ इंडियन रेसीपी अच्छी आ गोटे अच्छी तासहित नवाबी रेसीपी आ दुटा प्रस्तुत करने आज मो सहित अच्छा सेफ रंजन चलत आम शो को स्वागत करवा कार्यक्रम को आगे नवा हेलो शेफ हेलो आपण को आम शो को बहुत बहुत स्वागत स्वागत आज्ञा आज आप चिकेन दुटा जगह रेसीपी प्रस्तुत करेंगे गोटे नवाबी रेसीपी आ गए प्रस्तुत साउथ इंडियन कौन एक्जाक्टली से दुटार ना एक्चुअली गोटे हूँ चिकेन 880 चिकेन 880 यूनिक नेम आ गए चिकेन चाम चिकेन चाम अच्छा एटा को टाइप भितर साउथ इंडियन रेसीपी एटा हूँ चिकेन 880 एटा हूँ साउथ इंडियन साउथ इंडियन रेसीपी एंड नेक्स्ट नवाबी रेसीपी प्रथम गोटा बनेबे प्रथम हमें चिकेन 880 बनेबे कौन सब दरकार तापे हम आनी चिकेन लेग पीस नहीं के से अच्छा आ कॉर्नफ्लोर आनी छे कच्चा अंडा नहीं के से अजिनामोटो आनी छे लुण चीनी आनी छे पुदीना चॉप आ धनिया चॉप गार्लिक चॉप जिंजर चॉप चाट मसला टमाटो केचप ड्राई चिली कंचा लंका आ रिफाइन तेल नहीं आसे आसू बनवा चिकेन चिकेन 88 ओके आपण मैंने देखिले गोटे साउथ इंडियन रेसीपी चिकेन 88 बनवाई कौन सब सामग्री दरकार एवं आस प्रस्तुत करवा चिकेन 88 आरंभ कर गैस लगे प्रथम चिकेन फ्राए कर पैन बस हमें रिफाइन तेल नहीं चे ओके फ्राए करने प्रथम चिकेन को मैग्नेशन कर नवा चिकेन जल्दी कुक हुआ पाए टिके कटिंग कर दे दवा सो लेग पीस नहीं कैसे तो टाइम लगे बॉइल हो पाए अदर हमें कॉर्नफ्लोर नहीं कैसे बैटर पाए अच्छा बैटर जितनी लगे कॉर्नफ्लोर हल्का दुई चम्मच रु अढ़ाई चम्मच भितर दबा अदर हमें हल्का लुण नहीं चे लुण दबा हल्का चीनी दबा ओके चाट मसला टिके दबा आओ अजिना बोटो नहीं चे बैटर रखिया पाई हमें अंडा नहीं चे अंडा खाली येलोटा जो आमर व्हाइटटा दबा अच्छा व्हाइट पार्ट के बोला नबा जोटा के बाइंडिंग कर बाइंडिंग करियो अदर हल्का टमाटर केचप ऐड करियो आ भलो भाबे मैग्नेशन कर दवा अरे जिस समय मैग्नेशन कर रखिबा सते टेस्ट लेगे टेस्ट आसी बाछे भलो सब बड़े गोले दवा पड़ो जहां भी यूज करले सब तक कोटिंग सब जगह रे जमती लागिया दरकार लागिया दरकार एम फ्राई करनवा ग्रेवी कर रेडी कर नवा
আমি রিফাইন তেল নিয়েছি ওকে রিফাইন তেল 15 রু 20 গ্রাম দিয়ে দেব আমি তাদের গার্লিক নিয়েছি চপ আদের তরকা নেব গার্লিক হালকা ব্রাউন হলে পরে আমি জিঞ্জার চপ নিয়েছি গার্লিক যেত নেব জিঞ্জার সেটি নেব তারপরে আমি গ্রিন চিলি চপ নিয়েছি আদের মিডিয়াম স্পাইস পাই অ্যাড করিবা ग्रीन चिली चॉप माने आउ ड्राई चिली आल्सो भी सेथरे ऐड होछ आइए इसके स्पाइसी रहिबो इसके स्पाइसी माने अधिक साउथ जे जे तो कम चाहिबो कम करि पाइबो कम भी कर परिए ओबर में प्याज चॉप नै छे इके क्वांटिटी डा गार्लिक थोड़ भी अधिक दबा साये 25 से 30 ग्राम भीतर दबा তারপর আমি একটু ড্রাই চিলি নিয়েছি তারপর দিয়ে দেবো তারপর আমি লুণ নিয়েছি লুণ আধা অ্যাড করবে অজিনা মটন নিয়েছে আর পেপার নিয়েছে গোটা অ্যাড করলাম হোয়াইট পেপার পাউডার আমার এবে চিকেন এই এলানি এটা এইখানে অ্যাড হচ্ছে আজ ট্রাই আইয়ে আমি বন্ধ করে নেব আদের আমি টমেটো কেচাপ অ্যাড করব ಅದರ ಹಲ್ಕ ಪಾನಿ ದಿದ ಜೊ ಫ್ರೈ ಚಿಕನ್ ನಾವು ಅದರ ಆಡ್ ಕರಿ ड्राई रहबो टिके लटपडा जहाँ भी सब ग्रेवी आपन प्रस्तुत करले सॉस भले तादे लागी रहबो सॉस भले तादे लागी रहबो अदर टिके अधिक पुदीना चॉप माने पुदीना फ्लेवर टिके आसीबो पुदीना चॉप नीचे धनिया पत्र नीचे धनिया पुदीना बहुत दुटा आम जब पकोचे तार कि फ्लेवर फ्लेवर धनिया फ्लेवर टी आसवा दरकार अच्छा पुदीना फ्लेवर एंड धनिया फ्लेवर दी जगह दरकार धनिया क्वांटिटी टी अधिक पड़ो ये हम रेडी
ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କାଢ଼ି ନେବା। चिकन 88 टेस्ट कर देखो चिकन 88। वाओ लुकिंग एक्सीलेंट ना भी यूनिक अच्छी बढ़िया सुंदर प्रिपरेशन आपण करछंती माने कहार भी भूक बढ़े दबा देखे लगे तो बहुत गरम अच्छे डीप फ्राए भी यहाँ होता थंडा हो जाऊ निश्चिंत टेस्ट करी। आपण मैंने देखिले चिकेन 88 कि भाव में प्रस्तुत है एवं लिखि रखु चिकेन 88 बनवाई आवश्यक होता सामग्री चिकेन 200 ग्राम कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच चीनी गोटे चम्मच चाट मसला गुंड हाफ चम्मच अजिनमोटो अल्प अंडा गोटे टमाटो केचप गोटे चम्मच कटा रसुण हाफ चम्मच कटा अदा हाफ चम्मच कंचा लंका अल्प कटा प्याज 50 ग्राम सुखिला लंका 100 ग्राम पुदीना पत्र अल्प धनिया पत्र अल्प रिफाइन तेल 100 मिलीलिटर लुण स्वाद अनुसार प्रस्तुति प्रणाली प्रथमे प्यान बसाई 100 मिलीलिटर रिफाइन तेल गरम करंतु चिकेन को काटी गोटे बॉल रे रखंतु सेथिरे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लुण गोटे चम्मच चीनी हाफ चम्मच चाट मसला गुंड अल्प अजिनमोटो गोटे अंडा और गोटे चम्मच टमाटो केचप को पकाई मैरिनेट करंतु और तेल रे फ्राई करंतु आउ गोटे पैन रे अल्प तेल हाफ चम्मच कटा रसुण हाफ चम्मच कटा अदा कटा कंचा लंका कटा प्याज सुखिला लंका लुण अजिनमोटो हाफ चम्मच धला गोलमरीच गुंड 30 ग्राम टमाटो केचप सामान्य पानी फ्राई करिथिबा चिकेन कटा पुदीना पत्र और धनिया पत्र को पकाई मिक्स करंतु शेषे सर्विंग प्लेट को काढ़ी टमाटो कंचा लंका और धनिया पत्र रे गार्निश करी सर्व करंतु चिकेन 88। वर्तमान प्रस्तुत करिबा चिकेन उपरे गुटे नवाबी रेसिपी चिकेन चाप। चिकेन चाप पई कोन सब सामग्री दरकार? चिकेन चाप पई हम आनि छे रिफाइन तेल नै गेसे और चिकेन और पेस्ट बने छे ब्राउन पे जो हमरो फ्राइड ब्राउन प्याज तबरे उचि दही लुणो आनि छे जीरा पाउडर और धनिया पाउडर गरम मसाला और जो अदा रसुण बटा नहीं आससे और ग्रीन चिली पेस्ट आनचे भल घी नहीं आससे आउे आम रोज वाटर जो गेड़ाटर मिसिक डबर नहीं आससे धनिया पत्र ये सब नहीं बनवा चिकेन चाम आज प्रथम चिकेन टाइम मैग्नेसन कर अलरेडी आम काटिकी धुआई थी अदा रसुण मिसिक प्राय गोटे चमच दबा दही दुई चमच नवा आम चिली पेस्ट अच्छे स्पाइस देखिकी गोटे चमच अदर जीरा पाउडर प्राय गोटे चमच धनिया पाउडर अच्छे धनिया पाउडर प्राय गोटे चमच आम पेस्ट बन जो
राशि के नेकी राशि एटा कोन कोन एथरे पड़ी के हिची आ देरो छे सगन को कह दिया प्याज हमर होची फ्राइड प्याज प्याज को प्रथम भाजी दे छे ओके ग्राइंडिंग कर नीचे आ देरो छी हमें काजू फ्राई कर दी छे जति की प्याज सेती काजू आ होची हमर पुस्तक पुस्तक एया प्याज काजू आ पुस्तक राशि राशि एतक फ्राई करी के हमें टेस्ट कर टेस्ट कर छे को हमें भल से मैग्नेशन कर नबा प्राय 10-15 मिनिट रखि दबा से एमती रखला परे सेडा मसाला भल भाबे भिजी जीव प्यान बसिबा हमें भल घी नेचे प्राय 15-20 ग्राम भितर भल घी दबा घी हल्का गरम हो गला परे एटा आपण जहाँ सब मिक्स होले एटा मैरिनेशन करके कितने समय में रखते हैं प्राय 10-15 मिनट रखता 10-15 मिनट रखले तारा मसाला डा तब इतने बोलो मिसेज आइए हमारे बे घी गरम है इसलिए जो चिकन नीचे मैग्नेशन चिकन तेरे ऐड कर दो ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ଦହି ଦେବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିନରେ ବି ଦହି ଦେଇଛେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଦହି ଦେଇଦେବା ଏଇଟା ଟିକେ ହାଲକା ଖଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍ପାଇସି ରହିବ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ଆକୁ କୁକ୍ କରିନେବା ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ କାଟିଦେବା ସେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନବା ବି ରେସିପି ଆପଣ କହିଲେ ତ ପ୍ରାୟତଃ କାହା ସହିତ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟତଃ ରାଇସ୍ ସହିତ ଭଲ ଲାଗିବନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଡ୍ରାଏ ରହିବ ଡ୍ରାଏ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉଛି ଟିକେ ଲଟପଟା ରହିବ ଲଟପଟ ରହିବ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରେଭିଟା ତା ଉପରେ ଲାଖିକି ରହିବ ଲାଖି ରହିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ରୁଟି ସହିତ କି ପଲାଉ ସହିତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମର ବି ଚିକେନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆମେ ଗରମ ମସଲା ନେଇଛେ ଆଉ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼ କରିବା ଓକେ ଆଜି ଆମେ ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ନେଇଛେ ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ କ୍ରୁଡ଼ ୱାଟର୍ ମିଶିକି ଅଛି ବି ଏମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ମିଳୁଛି ମିଠା ଉତ୍ତର ବିରିୟାନୀ ସେଣ୍ଟର୍ ସେଇଟା ବି ପକାଇ ପାରିବା ନା ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ ଆମର ଏବେ ଚିକେନ୍ ଚାମ୍ପ ରେଡ଼ି ଆସିଲାଣି ତା ଦେହରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଟା ପ୍ରପର୍ କୁକ୍ ହେଇ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ମସଲାର ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଚିକେନ୍ ତ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ଥାଏ ତ ତା ଭିତରେ ହିଁ ଏଇଟା କୁକ୍ ହେଇଯିବ କୁକ୍ ହେଇଯିବ କାଢ଼ିଦେବା ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା
ତୁମର ଗ୍ରେଭି କଲେ ସେଇଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ, ଏଇଟା ଯେତେ ଲଟପଟା ରହିବ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କେବଳ ଚିକେନଟା କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ନେବ, ବାକି ଅଦରୱାଇଜ୍ ଗ୍ରେଭି କି କଷିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା। ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ ପିଆଜ କିଛି ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଛି, ତାପରେ ଗାର୍ନିସିଂ ଦେବା। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛେ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ, ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନ୍ ଚାମ୍ପ, ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନ୍ ଚାମ୍ପ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନବାବୀ ରେସିପି, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଆସିଛି। ଏଟା ତ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଚିକେନ୍ ଚାମ୍ପ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, ଏବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଚାମ୍ପ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ। ଚିକେନ୍ 100 ଗ୍ରାମ, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା 1 ଚାମଚ, ଦହି 2 ଚାମଚ, ଚିଲି ପେଷ୍ଟ 1 ଚାମଚ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ମିକ୍ସ ପେଷ୍ଟ 20 ଗ୍ରାମ, ଘିଅ 10 ଗ୍ରାମ, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଗୋଲାପ ଜଳ ଅଳ୍ପ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ, ବ୍ରାଉନ୍ ଓନିଅନ୍ 20 ଗ୍ରାମ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ 100 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ୍, ଲୁଣ 1 ଚାମଚ, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା 2 ଚାମଚ, ଦହି 1 ଚାମଚ, ଚିଲି ପେଷ୍ଟ 1 ଚାମଚ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଓ 20 ଗ୍ରାମ ମିକ୍ସ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ 10 ଗ୍ରାମ ଘିଅ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିବା ଚିକେନ୍, 2 ଚାମଚ ଦହି, 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଗୋଲାପ ଜଳ ଓ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ କଷନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ବ୍ରାଉନ୍ ଓନିଅନ୍ ଓ ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ଗାର୍ନିଶ୍ କରି ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଚାମ୍ପ। ଚିକେନ୍ ଚାମ୍ପ ଏବଂ ଚିକେନ୍ 88ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏ ଦୁଇଟା ରେସିପି ଏବେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତା'ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ଆମ ରୋଷେଇ ଇଟିଭି ଓଡ଼ିଆ, ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ ନମ୍ବର 38, ଭୁବନେଶ୍ୱର 1। ଆମର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଲା etv@etv.co.in। ସେଫ୍, ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ଉପରେ 2 ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ର ରେସିପି ବନେଇକି ଦେଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଟିପ୍ସଟି ହେଲା, ହରଡ଼ ଡାଲି ବଘାରିବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ପକାନ୍ତୁ, ଡାଲିର ସ୍ୱାଦ ଖୁବ୍ ଭଲ ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣିଥରେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।